सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 के परिणाम के आधार पर एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों के बीच नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया। जस्टिस विक्रमनाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन बेंच ने एनटीए से कहा, ऐसा नहीं है कि आपने इस परीक्षा को करा लिया है तो ये पवित्र है, पवित्रता प्रभावित हुई है, इसीलिए हमें उत्तर चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने नीट प्रवेश परीक्षा निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को करने का आदेश दिया है। बता दें, आंध्र प्रदेश के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और अन्य ने याचिका में 5 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए प्रवेश परीक्षा दोबारा कराने की मांग की। साथ ही एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही 4 जून को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई। इस संबंध में दूसरी याचिका छात्रा शिवांगी मिश्रा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। इसमें नीट परीक्षा नए सिरे से आयोजित कराए जाने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से नव निर्वाचित निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बता दें, इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में आतंकी फंडिंग के आरोप में बंद है। रशीद ने जेल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला को करीब 2 लाख वोटों से हराया है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से मांगा। इंजीनियर रशीद के वकील ने कोर्ट को बताया कि इंजीनियर रशीद शपथ लेने और अन्य संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पेरोल की मांग कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान NIA ने कहा कि सांसदों के शपथ लेने का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया, जिस पर कोर्ट ने मामले में 18 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है। वर्ष 2018 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को रांची की MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। स्पेशल जस्टिस सार्थक शर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए पूर्व में समन जारी किया था, लेकिन अभिलेख में कोई प्रतिवेदन संलग्न नहीं होने के कारण सुनवाई की अगली तारीख 6 जुलाई निर्धारित की गई। इससे पूर्व कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। राहुल गांधी ने पूर्व में MP MLA कोर्ट द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया। अपनी ही सौतेली बेटी के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोपी गुलाम मोहम्मद को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने इसे दुराचार के मामले में दोषी ठहराया था। जस्टिस अनूप कुमार डांड की बेंच ने कहा, CRPC या आपराधिक न्याय शास्त्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बलात्कार के अपराध या किसी अपराध की रिपोर्ट को काफी समय तक पूर्व जांच के लिए लंबित रखने की अनुमति हो। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि जो आरोप हैं उस आधार पर IPC की धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत बलात्कार करने का प्रयास का अपराध नहीं होगा, लेकिन ये धारा 354 के तहत महिला की शील भंग करने के लिए हमला करने का दंडनीय अपराध होगा। 6 वर्षीय पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसके और अपने दोनों के कपड़े उतार दिए और जब उसने शोर मचाया तो वह घटना स्थल से भाग गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रयास के अपराध के लिए 3 चरणों को पूरा करने की आवश्यकता है। बेंच ने कहा कि इस मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने बलात्कार का प्रयास किया। कोर्ट ने आरोपी गुलाम मोहम्मद पर लगे दोष में परिवर्तन करते हुए नए आरोप सिद्ध किए और उसे बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बहू की भरण पोषण की मांग को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। बता दें, 81 वर्षीय प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने अपने बेटे का प्रतिनिधित्व करते हुए जम्मू कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के तहत अपनी बहू द्वारा शुरू की गई भरण पोषण कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने महिला को तलाक दे दिया है, इसीलिए भरण पोषण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही उन्होंने महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एडिशनल सेशन जज गौहर मजीद दलाल पर पक्षपात और कदाचार का आरोप लगाया। कोर्ट ने पूरी तरह से गलत आरोपों का हवाला देने के लिए याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस संजीव कुमार ने याचिकाकर्ता की भाषा को अपमानजनक और किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य बताते हुए इसकी निंदा की।
उन्होंने टिप्पणी की कि लगाए गए आरोप केवल याचिकाकर्ता की महिलाओं विशेषकर अपनी बहू के प्रति दूषित मानसिकता को दिखाते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करके उन पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 4 हफ्ते के अंदर 1,00,000 रुपए जमा कराने का आदेश देते हुए आदेश का पालन नहीं करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।